चैनल चल रही है। गुजरात में एक सिटी है जूनागढ़, ठीक है, वहाँ से हूँ मैं। वो जूनागढ़ सौराष्ट्र में एक सिटी है जो पहले इंडिपेंडेंस से पहले स्टेट था, बट अभी सिटी है, ठीक है। तो मैं वहाँ से हूँ और वो सिटी बहुत लेजी है, बहुत लेजी है। दोपहर में 1 से 4 लोग सो जाते हैं, दुकानें बंद, मतलब वहाँ किसी को कहीं नहीं जाना है, इतना लेजी सिटी है। मतलब वहाँ पे लोग दोपहर में कॉल करके सॉरी बोलते, अरे माफ़ करना, इतनी दोपहर के कॉल किया। वो क्या है ना, तुम्हारी दुकान में आग लगी थी, तो फायर ब्रिगेड को कॉल करो ना। हम फायर ब्रिगेड से ही बोल रहे हैं। बहुत लेजी लोग, लाइक और गुजराती लोग है ना, मनी माइंडेड। तो कुछ दुकानें दोपहर में खुली रहती है और वो दुकान के अंदर सो रहा है। एक टाइम हुआ, आई वाज लाइक, भैया सुनो, भैया भैया एक रेड बुल दे दो, भैया एक काम करो, 2 दे दो, एक आप भी पी लो। इज लाइक 250 हुआ, 220 हुआ, इज लाइक मैंने अपने लिए चिप्स भी लिया। बहुत लेजी सिटी है। और लेजी सिटी आई थिंक इसलिए बिकॉज बिफोर इंडिपेंडेंस जूनागढ़ स्टेट था विच रूल्ड बाय नवाब्स, तो लेजी सिटी तो होना ही है ना अगर नवाब हो गए। वो अपना काम दूसरों से ही करा देते, नो वंडर उनके इतने बच्चे क्यों होते थे। एंड हम लोग का क्या नहीं? क्या, दिस इज नॉट यूट्यूब कॉमेंट, आई कैन सी यू। यही जगह में बोल रहा, बोले नहीं नहीं सी यू। और हम लोग का जो नवाब था ना, लाइक वो चूतिया आदमी था ना, आई टेल यू, उसने 2 कुत्तों की शादी करवाई थी उस दिन, लंगर, पब्लिक हॉलीडे स्टेट में। लाइक हमें रीजन चाहिए ना छुट्टी करने के, कि लाइक राम जी घर आए थे, दिवाली, महात्मा का जन्म हुआ था, गांधी जयंती, पारसी न्यू ईयर्स, बिकॉज पारसी है नहीं सेलिब्रेट करने को। सी हमें रीजन चाहिए छुट्टी करने के, और इनका रीजन क्या है, डोगों की चुदाई, डोग संभोग के पावन उत्सव पे। एंड आज भी म्यूजियम में पिक्चर्स है, उस वक्त के पेंटिंग टाइप पिक्चर्स है, वो कुत्तों को गहने पहनाए हुए शादी में, आभूषण। आज की तारीख में ये नहीं कर सकते, पेटा वाले गांड मार देंगे डॉगी स्टाइल। एंड इतना ही नहीं, वो नवाब ने पता है क्या किया था, देयर वाज अ विंडो इंडिपेंडेंस के टाइम पे, एक विंडो था, ब्रिटिश ने दिया था कि या तो आप पाकिस्तान में जा सकते हो, जो भी राजा है या नवाब है उन लोगों को एक विंडो था कि या तो आप पाकिस्तान में जा सकते हो, या आप इंडिया में रह सकते हो, या अपना एक मतलब आज़ाद देश खुद बना सकते हो। तो ये राजा ने बोला, नहीं आज़ाद नहीं बनाना, फिर तुम लोग पत्थर उठा हाथ में दे दोगे। या थोड़ा या, सब यो लाइक वो रेणुका शान वाला सही था। तो उसने बोला कि नहीं वो नहीं करेंगे। तो उसने पता है क्या किया, जूनागढ़ स्टेट पाकिस्तान को दे दिया, लाइक ज्योग्राफी गई माचूदा ने। यहाँ पाकिस्तान है, यहाँ पे 25 सिटी है, और यहाँ जूनागढ़ है, ये भाई ने दे दिया। एंड वो टाइम में ये चीज खुद की प्रॉपर्टी उसने लिख के दे दिया, ठीक है। ये चीज दिल्ली सरकार को पता है कब पता चली, न्यूज़पेपर के थ्रू। उन्होंने सुबह न्यूज़पेपर में देखा कि वो इसने पाकिस्तान को दे दिया। आई एम नॉट मेकिंग दिस अप, ये डॉक्यूमेंट्री है। इसमें सरदार वल्लभ पटेल ने कॉल किया नेहरू जी को कि सुनो अपने टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़े क्या, बोले हाँ 3-4 दिन पहले अप्रूवल में आया था। बोले नहीं नहीं फ्रंट पेज पे है ये खबर है, अपने को माउंटबेटन के साथ मीटिंग करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा ये इशू के बारे में। हाँ एक मिनट यहीं सो रहे दे रहा हूँ। एंड देन सरदार वल्लभ पटेल ने इस इशू को हाथ में लिया कि लगे ये चूती इधर आ, एक सेकंड, ऐसे नहीं होता, वोटिंग होएगा, वोटिंग। तो उस वक्त जूनागढ़ सिटी में वोटिंग हुआ, लाइक वो ईवीएम वाला नहीं,
आई टेल यू, मेरे ऑफिस, मेरे यहाँ पे ना एक बीजेपी का ऑफिस है, ठीक है. तो कुछ कंप्लेंट था, तो मैं बीजेपी की बिल्डिंग है पूरा, ठीक है. तो मैं ऑफिस में जा रहा था, तो मैं वॉचमैन से पूछा, लाइक लिफ्ट में जा रहा था, वॉचमैन से पूछा कि कौन से फ्लोर पे बीजेपी का ऑफिस है. इज लाइक कोई भी बटन दबा. पूरा बिल्डिंग बीजेपी का था, ठीक है. एक हर चीज में गलत नहीं है. तो वहां पे जेन्युइन वोटिंग हुई, 98% लोगों ने वोट किया कि हमें इंडिया में ही रहना है. जूनागढ़ के लोगों ने, 2% ने पाकिस्तान में किया. पता नहीं उनको टीवी तोड़ने होंगे, पता नहीं. 2% एंड देन जाओ, लाइक सरदार वल्लभ पटेल ऐसे होता है, समझा. अभी तू निकल. वो या सही आयरन मैन था यार वो आदमी. अगर अभी होता तो सच में यूनिटी होती, सिर्फ स्टैच्यू नहीं होता. तू एक्सपेक्ट नहीं किया था ना, तू बोले क्या भक्चोद आदमी. इज लाइक ओ एजुकेटेड मुस्लिम हो. नो वी आर नॉट. पता नहीं ले. तो मैं एज अ मूवी देख रहा था, और उतने में अनाउंसमेंट हुई. डैड लोग, चाचा लोग परेशान, इधर उधर भाग रहे. और उस वक्त एक अनाउंसमेंट हुई कि जूनागढ़ सिटी में कोई पण व्यक्ति बाहर निकलवानो नथी, जूनागढ़ सिटी में कर्फ्यू लागी गयेलो छे. कर्फ्यू व्हाट वाज अ न्यू फॉर मी, पहली बार सुना था. एंड डैड को पूछा, डैड कर्फ्यू क्या होता है? इज लाइक इसमें कोई बाहर नहीं निकल सकता, सब बंद हो जाता है. और लाइक ये रोज दोपहर में होता है. ये वो वाला नहीं है, इसमें कोई भी मुस्लिम, सॉरी कोई भी बाहर निकला उसको गोली मार देंगे. और रायट शुरू हुए, 2002 रायट्स, ठीक है. पता नहीं है, बच्चा हूं घर पे, चाचा लोग परेशान है, इधर उधर जा रहे. मैं खुश के स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है. चाचा लोग परेशान है, अपनी सेफ्टी के लिए चीजें निकाल रहे, रॉड ये वो ये. और हम 8 बच्चे, समझ रहे, औरतें भी लगी, इतने पैदा नहीं करने चाहिए थे. और हम लोग 8 बच्चे लाइन से खड़े, और हम भी परेशान कि कैरम एक ही है घर में. तो हम भी लगा लूडो वूडो ढूंढने लगे, और लाइक परेशान, समझ रहे हो, लाइक डैड ये वो सब, अपनी सेफ्टी के लिए ये वो सब चल रहा है घर के अंदर. बाहर आया सर, छोटा भाई रो रहा है. मैं बोला डर मत, बोले नहीं चाचा मेरा बैट लेके चले गए. रात तो निकल जाती थी. रात में पता है क्या होता था, बाजू में एक हिंदू आंटी, हेमा आंटी रहते थे, ठीक है. वो आ जाते थे घर पे, क्योंकि वो हम लोग का एरिया जो था बहुत, मतलब सब लोग सेफ थे, हिंदू मुस्लिम साथ में रहते थे, खुश रहते थे, ठीक है. खतरा पुलिस से ही था सिर्फ. तो लाइक तो अभी फरवरी में वहाँ पे बहुत ठंड रहती है, ठीक है. तो हम लोग ना जैसे जला दे ना लकड़ी वकड़े जमा करके, वो ठंड के लिए जलाया, ठीक है. आदमी लोग घर के परेशान है, और औरतें सब बैठी हुई है. हेमा आंटी और अम्मी का क्या कन्वर्सेशन चल रहा है, बड़े अरे मंगलसूत्र बड़ा आग में चमक रहा है तुम्हारा, लाइक बाहर रायट्स चल रहा है. इसलिए हाँ इन्होंने नया बना के दिया, इसलिए बोल रही हूँ बाहर मत जाओ. एंड ये सब भी ठीक है,